हेलो फ्रेंड्स, मैं उपेंद्र एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं टेक एंड ट्रैवल वी में। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो टिल्ट एंगल पर बेस्ड है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि सोलर पैनल में ये टिल्ट एंगल क्या होता है। टिल्ट एंगल एक्चुअली, जैसे कि मान लीजिए कि यह आपका सोलर पैनल है, ठीक है, और यह एक सर्फेस हम और ऐसे लगा देते हैं सोलर पैनल के ऊपर, नीचे सोलर पैनल के नीचे हम एक सर्फेस ऐसे लगा देते हैं, तो यह जो एंगल है यह टिल्ट एंगल कहलाता है। जस्ट यहाँ से यहाँ तक का, जो यहाँ से यहाँ तक का ये एंगल है, यह फ्रेंड्स टिल्ट एंगल कहलाता है। तो आई थिंक आप सभी को पता लग गया होगा कि टिल्ट एंगल क्या होता है। तो फ्रेंड्स, जो विंटर्स में है टिल्ट एंगल ज़्यादा हो जाता है सोलर पैनल का, क्योंकि जो सन होता है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है, और जो समर में सन ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, जिससे उसका जो पाथ है वो इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पर जो टिल्ट एंगल है वो घट जाता है इस तरह से, ठीक है। तो आई थिंक आपको पता लग गया होगा कि टिल्ट एंगल क्या होता है। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो टिल्ट एंगल पर बेस्ड है कि आप अपने सोलर पैनल का टिल्ट एंगल कैसे चेंज कर सकते हैं, विंटर्स के अकॉर्डिंग आप टिल्ट एंगल कैसे सेट कर सकते हैं, समर्स के अकॉर्डिंग आप टिल्ट एंगल कैसे सेट कर सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, टिल्ट एंगल तो हर मंथ ही चेंज होता रहता है, और अगर आप अपने सोलर पैनल को अगर आप फिक्स करना चाहें तो किस एंगल पर आप फिक्स कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इन्हीं सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। और फ्रेंड्स, टिल्ट एंगल को सेट करने के लिए मैं बहुत ही सिंपल प्रोसेस बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर मैं ऐसी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आता हूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, टिल्ट एंगल को अच्छे से समझने के लिए हम यह डायग्राम देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते होंगे कि जून में 21 जून को टिल्ट एंगल सबसे ज़्यादा कम हो जाता है, क्योंकि सूरज टॉप पर होता है, और मार्च और सितंबर में टिल्ट एंगल थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि टॉप से सूरज थोड़ा नीचे आ जाता है, और दिसंबर में सबसे डाउन पर होता है सूरज, और यहाँ पर टिल्ट एंगल सबसे ज़्यादा होता है। तो आई थिंक अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और टिल्ट एंगल क्या होता है, मैंने पहले ही आपको अभी बता दिया है। और यहाँ पर देखिए, यह सोलर पैनल है, यह दो सोलर पैनल है, बल्कि ये थ्री इन वन स्टैंड है। यहाँ पर एक सोलर पैनल नहीं है, क्योंकि मेरे घर का लोड काफ़ी कम है, दो सोलर पैनल से ही काम चल जाता है। देखिए, जो बीच वाला सोलर पैनल है, इसके अकॉर्डिंग हमें कम्प्लीटली स्टैंड को माउंट करना है। देखिए, यहाँ पर जो मोबाइल है उसको हमें बीचों बीच रखना है बीच वाले सोलर पैनल में। देखिए, यहाँ पर हमें जो मोबाइल है, अभी धूप ज़्यादा है तो इसलिए शायद आपको स्क्रीन में नहीं दिख रहा होगा। देखिए, सोलर सिटी ऐप है नीचे की तरफ, इसको हमें ओपन करना है, और ओपन करना है, और इस मोबाइल को बीच वाला जो सोलर पैनल है उसके ठीक बीच में ही आपको टेप से चिपका देना है, टेप या हल्का सा कोई भी चीज़ हो उससे रोक देना है, जिससे कि यह मोबाइल बाद में आराम से निकल आए। देखिए, यह सोलर सिटी एप्लीकेशन है, शायद आपको अभी दिख नहीं रही होगी, तो मैं इसको थोड़ा चाई में करके आपको दिखाता हूँ। देखिए, यह है सोलर सिटी एप्लीकेशन, आप प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, मैं फिर से अभी ऑन करता हूँ सोलर सिटी एप्लीकेशन, जिससे आप अब आपको दिखाई पड़ जाएगा। देखिए, यहाँ पर ये सोलर सिटी एप्लीकेशन है, सोलर सिटी, तो इसको आपको अभी ओपन करना है। और यहाँ पर जो टिल्ट एंगल लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। देखिए, यहाँ पर आपका GPS ऑन होना चाहिए, देखिए यहाँ पर GPS ऑन होना चाहिए, और इसको अपडेट पर क्लिक कर दीजिए, तो यहाँ पर जो आपकी लोकेशन है वो अपडेट हो जाएगी। देखिए, यहाँ पर मैंने इसको क्लिक कर दिया, नीचे देखिए सक्सेसफुली लिखा हुआ आ रहा है कि लोकेशन सक्सेसफुली अपडेट हो गई है। अब हमें यहाँ क्लिक करना है। देखिए, यहाँ पर ये सोलर पैनल का एंगल ये दिखा रहा है, नीचे दिखा रहा है कि आपको सोलर पैनल किस तरह आपको सेट करना है। देखिए, यहाँ पर नीचे देखिए सोलर पैनल है, देखिए यहाँ पर इस तरह से आपको सेट करना है, और मोबाइल से आवाज़ चेंज हो जाएगी। देखिए, इस समय मार्च में सोलर पैनल का एंगल 31 डिग्री सेंटीग्रेड है, सोलर पैनल का एंगल 31 डिग्री सेंटीग्रेड है, जैसा कि आप नीचे देख पा रहे होंगे। तो मैं इसको 31 के आसपास सोलर पैनल को
सेट करूंगा तो जिससे मुझे मार्च में मैक्सिमम आउटपुट मिल पाएगा। अगर आपका सोलर पैनल मूवेबल है तो हर मंथ आप सोलर पैनल का एंगल चेंज कर सकते हैं, बट मुझे अपने सोलर पैनल को फिक्स करना, देखिए यहाँ पर बीचों बीच रख के और इसको सोलर पैनल पे ऐड करके चिपका के और सोलर पैनल को हमें उठाकर लेफ्ट राइट कर उसका एंगल हमें सेट करना है, जो कि बहुत आसानी से हो जाएगा। देखिए समर्स में ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए मैंने अपने सोलर पैनल का एंगल समर्स के अकॉर्डिंग हमने सेट किया है। देखिए विंटर्स में उतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है क्योंकि फ़ैन वगैरह चलते नहीं हैं विंटर्स में, खाली बैटरी ही चार्ज होती है और लाइट भी कमी जाती है। तो देखिए यहाँ पर तो मैंने अपने सोलर पैनल का एंगल समर्स के अकॉर्डिंग सेट किया है। मेरे तरफ सोलर पैनल का टिल्ट एंगल 28 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो आपको अगर समर्स के अकॉर्डिंग सेट करना है तो अपने एरिया के टिल्ट एंगल में से 15 माइनस कर देंगे। तो अगर आप 28 में से 15 को माइनस करेंगे तो आपका 13 डिग्री आएगा। तो मैंने अपने सोलर पैनल का एंगल 13 डिग्री यानी समर्स के अकॉर्डिंग मैंने सेट किया है, और आपको अगर विंटर्स के अकॉर्डिंग सेट करना है तो आप टिल्ट एंगल में ही 15 ऐड कर लीजिए। जैसे मेरे यहाँ का टिल्ट एंगल 28 है तो मैं इसमें 15 ऐड कर लूँगा, तो ये मेरा विंटर्स के अकॉर्डिंग सोलर पैनल का एंगल 43 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो कि मुझे नवंबर दिसंबर में सेट करना था, लेकिन मुझे समर्स में ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है तो मैंने अपने सोलर पैनल को फिक्स किया है समर्स के ही अकॉर्डिंग। मतलब विंटर्स में भी अच्छा खासा इससे पावर मिल जाता है बट उतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो इलेक्ट्रिसिटी जो विंटर्स में जनरेट होती है वो लगभग मुश्किल से ही लगभग 80% तो वेस्ट ही जाती है, और समर्स में ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए मैंने सोलर पैनल का एंगल समर्स के अकॉर्डिंग सेट किया है। देखिए इस तरह से आप भी सेट कर सकते हैं, मार्च के अकॉर्डिंग 31 डिग्री सेंटीग्रेड है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे नीचे टिल्ट एंगल लिखा हुआ है 31 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए यहाँ पर लेकिन आपका GPS ऑन होना चाहिए, देखिए इसमें ये फ्री ऐप है इसलिए इसमें ऐड भी आते हैं, बट इसकी एक्यूरेसी अदर ऐप से काफ़ी अच्छी है, और इसी ऐप का मैंने यूज़ किया है अपने सोलर पैनल का एंगल सेट करने के लिए। तो आपको हमेशा ध्यान रखिए कि जितने भी आपके सोलर पैनल हैं जस्ट बीच वाले में ही आपको यह मोबाइल चिपकाना है, किसी हल्के से ग्लू से चिपकाइए जिससे कि सोलर पैनल के जो ग्लास है उसमें स्क्रैच ना है, यह आपको सावधानी रखनी है। हल्के से ग्लू से चिपकाइए और सोलर पैनल को उठाकर ऊपर नीचे कर आप एंगल सेट कर सकते हैं, और हमेशा ध्यान रखिए कि जो एंगल होगा वो साउथ फेसिंग होगा, जैसा कि आप देख सकते होंगे। तो अभी मैं एक बार फिर से आपको दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पर जैसे ही क्लिक करते हैं देखिए नॉर्थ फेसिंग है, जो निडल है ऊपर की वो नॉर्थ फेसिंग है। इस तरह से आपको निडल मैच करनी है, जो नॉर्थ लिखा हुआ है जहाँ पर वहाँ पे निडल को ये रेड वाली को ऐड करना है, तो आवाज़ एकदम से चेंज हो जाएगी और स्क्रीन ग्रीन कलर की हो जाएगी, यानी कि इस समय एंगल ठीक है। तो इस तरह से आप अपने सोलर पैनल का एंगल आसानी से सेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स सोलर से रिलेटेड मैंने काफ़ी वीडियो बनाए हैं, अगर आप वह वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।